आज हम विपक्ष में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई ऐसे ऐसे शासकों के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी है। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, शाम दाम धन भेद की राजनीति भी है। और इनसे मुकाबला करने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने दिया, और इसी आशीर्वाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सरकार ने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। 9-9.5 साल पहले बड़े बहुमत के साथ केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी को आपने बिठाया, हरियाणा के अंदर सरकार बनी 2014 में। लोगों ने सोचा अच्छे दिनों का वायदा है, कुछ हो सकता है, इस वायदे में दम हो। हरियाणा के दिन और अच्छे आए, जो हरियाणा 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति निवेश में कांग्रेस की सरकार दशा के नेतृत्व में 10 साल सरकार रही, 4 से 14 तक हम प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक थे, कृषि उत्पादकता में हम नंबर एक थे, गरीब कल्याण की योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे मकान की योजना हो, चाहे पीने के पानी टंकी टूटी की योजना हो, चाहे स्कूल के अंदर वजीफे की बोझ योजना हो, चाहे देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन की बात हो, देश में नंबर एक हरियाणा माना जाता था, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में सबसे आगे हरियाणा की गिनती होती थी, 10 साल आपसी भाईचारे में हरियाणा का मिसाल दिया जाता था, ना 10 साल में कहीं भाईचारे पे को घरों चाहिए, ना 10 साल किसी वर्ग को धरने पे बैठना पड़ा, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी को सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। और सरकार ने 10 साल तक कहीं लाठी चार्ज गोली की तो दूर की बात है, दूर की बात है, कहीं लाठी चार्ज में 10 साल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शांति अमन चैन शांति खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ा, प्रदेश में एक बात होती थी तो विकास की बात होती थी, कहाँ पे मेट्रो आए, कहाँ पे रेल लाइन निकली, कहाँ से हाईवे निकला, कहाँ तरह के कारखाने लगे, कहाँ एम्स का अस्पताल आया, इस बात की चर्चा होती थी, देश में हरियाणा का नाम था। वायदा आया अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, विकास को और बढ़ाएंगे, लोगों ने मौका दिया और चंडीगढ़ में खट्टर सरकार बन गई। लेकिन आज 9.5 साल के बाद जो हरियाणा देश में नंबर एक पे होता था, आज वही हरियाणा 9.5 साल की सरकार के बाद विकास में तो 17वें और 18वें पायदान पे पहुंच गया, विकास दर में जो नीति आयोग बता रही, मगर देश में नंबर एक पहुंच गया तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर एक। दिल्ली के तीन तरफ बैठा हरियाणा, ना सरकारी नौकरी मिल पाई, एक के बाद एक घोटाले सरकारी नौकरियों में, HPSC घोटाले, पेपर लीक घोटाले, HSSC घोटाले, सरकारी नौकरी जो स्थायी थी उनको अस्थायी कर दिया गया, फौज की नौकरी में अग्निपथ ले आए वो अस्थायी, हरियाणा सरकार की नौकरी में कौशल निगम ले आए वो अस्थाई, सरकारी पद समाप्त कर दिए या तो समाप्त कर दिए गए, अस्थाई हो गया, और फिर भी ले दे के कोई अगर लिस्ट आती है, इस सरकार का रिकॉर्ड है, उस लिस्ट में हरियाणा के नौजवानों से ज़्यादा बाहर के नौजवानों को अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी क्षेत्र के अंदर जो हमारी सरकार थी, कहीं SEZ आ रहा था, MET बन रहा था, तो रोहतक के अंदर IMT बन रहा था, कहीं एशियन पेंट की बात थी, गुड़गांव के अंदर फुटवेयर पार्क बन रहा था, तो धारली खेदर के अंदर थर्मल के कारखाने आ रहे थे 1000 करोड़ की लागत से। इस सरकार में ना कोई इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट नौकरी, और धीरे धीरे हरियाणा का नौजवान आज देश में सबसे ज़्यादा नंबर एक पर बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, हर घर का पका बजट बिगड़ गया, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आज आम परिवार के घर से हाथ से बात निकल गई। महंगाई में, बेरोजगारी में,
नशे की तरफ नौजवान, हरियाणा का नशे की तरफ धकेल दिया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को, ऐसी सरकार ये आई। हमारा प्रयास था कि खेल की तरफ, रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ जाए, इन्होंने अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को धकेल दिया। और भ्रष्टाचार में भी देश में नंबर एक, ऐसा भ्रष्टाचार जो खुल के भ्रष्टाचार के आधार पर कहीं समझौता हुआ है और सरकार बनी है, तो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को दोबारा बनाना, इनको पूरी सीटें नहीं मिली, 40 पे 75 पार का नारा था, मगर 40 पे सुई रुक गई बीजेपी की। मगर एक पार्टी जेजेपी पार्टी, उसने समर्थन दिया और समर्थन दे के कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। आज उस बात को 4-4.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन का वायदा सच्चा था कि झूठा था? 5100 पेंशन के आधार पर सरकार को समझौता नहीं हुआ, इनको समर्थन जेजेपी ने 5100 बुढ़ापा पेंशन पे नहीं दिया था। भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने का समझौता था, महकमे आपस में बांट के हरियाणा की जनता को लूटने का समझौता था। और ये हम क्या बताएं, कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब किसके महकमा किसके पास गया, एक्साइज महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी ना हो। इनके खुद की पार्टी के विधायक नारनौन से दादा गौतम, उनका बयान सुना होगा, जब महकमे बढ़ गए तो दादा गौतम का बयान आया सरकार में, बोला एक खोपर बढ़ गया सरकार में, बोला एक लाए दिन में लग रहा है, आया था कि नहीं आया था। यानी कि भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता, कह दिया 5100 की पेंशन पर समझौता दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और बदल गए। इलेक्शन से पहले बीजेपी का नारा था 75 पार खट्टर साहब का, जेजेपी का नारा था दुष्यंत चौटाला का, बीजेपी को करो जमुना पार, था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जो कहें उस ट्रेंड पे रहना चाहिए। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार, इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। इसीलिए हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अभी हिसार के अंदर आपने देखा होगा हमारा विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली थी, उस रैली में आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। उस रैली में जब असंख्य बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और जो आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूं उस रैली के बाद अब हरियाणा में हमारे प्रोग्राम का नाम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं रहे, हम विकल्प बन गए हैं, वो विकल्प आपके समक्ष का कार्यक्रम उसको माना जाए। और विकल्प हरियाणा की जनता आज कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विकल्प के रूप में देख रही है। और विकल्प के संकल्प होते हैं, और आज हम संकल्प करना चाहते हैं प्रदेश में, हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में एक ही गूंज आ रही है, एक ही बात डबवाली से लेकर होटल तक, क्योंकि एक एक जगह में जा रहा हूं, एक ही बात आ रही है, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है, और हमने भी संकल्प किया कि हरियाणा को दोबारा से विकास में नंबर एक बनाएंगे, विकास की पटरी पर लेकर आएंगे, हरियाणा में वही खुशहाली, भाईचारा और विकास का दौर लाएंगे। हमारा संकल्प है बड़े बुजुर्गों के साथ जो ये धोखा हुआ है 5100 पेंशन के नाम पे, इस विश्वासघात की राजनीति और धोखे की राजनीति अकलंक हरियाणा के माथे से मिटाएंगे, और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे। हमारा संकल्प, हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है कि जो हमारे गरीब एससी के ओबीसी के छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार
उन परिवारों को दोबारा से 100-100 गज की योजना का लाभ दिलाएंगे, 100-100 गज के प्लॉट की योजना का लाभ दिलवाएंगे जो रह गए थे, और 100 गज की मकान की जो योजना बंद हो गई इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराएंगे, और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान हर ऐसे परिवार को दिलवाएंगे। संकल्प हमारा संकल्प है देश के प्रदेश के खिलाड़ियों को वही सम्मान दिलाएंगे, किसान को MSP की गारंटी, और जो 750 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में जो कुर्बानी दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी 750 किसान शामिल हैं, उन परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हमारा संकल्प है ताकि कोई भूले ना, देश का शासक को इतना अहंकार न हो जो आज इस किसान आंदोलन में आपने देखा। हमारा संकल्प है महंगाई की इतनी मार, जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में सरकार बनती और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती, उसी आधार पर हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली तक दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और भाई हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारा संकल्प है। फिर हमारी बाकी कांग्रेस की सरकारों में जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और नौजवान को जो 2 लाख नौकरी या तो समाप्त कर दिया, जो एडवर्टाइज नहीं करी नौकरी नहीं निकाली, या जो अस्थाई कर दी कौशल निगम के माध्यम से सरकार बनते ही 2 लाख सरकारी नौकरी जो इन्होंने जो समाप्त कर दी, नौजवान को रोजगार के लिए दिलवाएंगे। हमारे संकल्प हरियाणा को विकास की खुशहाली की पटरी पे, हमारा संकल्प, ये हमारे संकल्प। मैं मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा को, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, लेकिन इस सरकार को बदलना इसीलिए भी जरूरी है कि इन्होंने एक और नुकसान किया, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, मगर ये तो ऐसी सरकार आई जिन्होंने काम बिगाड़ दिया, जिन्होंने हर वर्ग का अपमान किया, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। एक साल तक किसान बैठा रहा धरने पे, 750 सब इन धरनों से वापिस आए, क्या आप सोच कर सकते हो कि हम सोच सकते हैं कि कभी कोई किसी वर्ग को देश में प्रजातांत्रिक देश में ऐसा धरना देने पड़े, ऐसे आंदोलन करने पड़े। 750 सब वापिस आए, लेकिन केवल अपमान और तिरस्कार किसान के बाटे, उनके बाटे में कुछ मिला तो केवल तिरस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उनको अपमानित होना पड़ा, उन पर लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर अपना बजट बढ़ाने के लिए करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार और सफाई कर्मचारी वो करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी सब पे लाठीचार्ज हो रहा है, तुम छोटी सरकार हो, मगर जब सरपंच भी गए तो सरपंचों पे भी आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं, कर्मचारी से लेकर छोटा व्यापारी तक कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित सरकार ने ना किया। और इसीलिए आज ये लड़ाई हरियाणा के मान सम्मान की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, मैं कहना चाहता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में अभी बात आई और ये कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर यहाँ से अगर नतीजा अपने हक में नतीजा आता तो नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैं भी कई बार सोचता हूँ, मेरे दिल में भी नहीं कई बार किस तरीके से सामदाम धनभेद का प्रयोग किया गया, सरकार का दुरुपयोग किया गया और मुझे निशाने पे लिया गया। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं निशाने पे नहीं था। देश में कहीं भी विपक्ष की कोई मजबूत आवाज़ अगर उठे तो उसको किस तरीके से उस आवाज़ को कुचला जाए, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता था, इसीलिए निशाने पे था, आप निशाने पे थे, निशाने पर ये इस बार भी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं इनकी आंख में लड़कता हूं,
मुझे पता है जब किसान आंदोलन की बात आई और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इनकी आंख में आंख डालकर जब मैं बोलता था कि ये जो बैठे हैं ये देश के नागरिक हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, तो इनकी आंखों में रड़कता था और कहते थे कि मुझको कहते थे निशाने पे लेते थे, क्या क्या नहीं कहते थे पार्लियामेंट के अंदर जो ताने सहे इनके पूरी बीजेपी के। मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि ये आपका दिया हुआ आशीर्वाद है और आपकी दी हुई ताकत है और वो जो नैतिक बल है उसके आधार पर सारी बीजेपी एक होकर कहती थी, निशाने पे लेती थी, ताने मारती थी, लेकिन पंचायत में खड़ा होता था तो मेरी जब आपकी आवाज उठाता था तो लीडर होकर उठाता था, नैतिकता से उठाता था और उसकी गूंज बीजेपी के भी हर सांसद के दिल तक उसकी गूंज पहुंचती थी। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे अभी हमारे खिलाड़ियों को आपने देखा किस तरीके से हमारी बेटियों घसीटने का काम किया, उनके साथ जाके खड़े हो जाएं तो कहते हैं कि उस समय भी पूरी बीजेपी ने, आपने देखा होगा बीजेपी के यूपी के सांसद थे उनसे लेकर सारी बीजेपी ने लगातार निशाने पर लिया। मगर मुझे आपका, मुझे पता है कि आपका यह आशीर्वाद है, उस बात से हम नहीं पीछे हटते। एक ही बात मैं आपको कह सकता हूँ, लोकसभा चुनाव आएगा, सही बात है, पिछली बार अगर यहाँ से नतीजा कुछ और होता तो देश में, देश की विपक्ष की राजनीति में आपका नाम बहुत ऊपर जाता और हरियाणा के अंदर भी ये थोड़ी सी कसर रह गई, दो चार सीटों पांच सीटों कसर रह गई, हरियाणा का भी नतीजा कुछ और होता, ये पांच साल में भुगतने पड़ते, ये समय नहीं देखना पड़ता, किसान आंदोलन खिलाड़ी आंदोलन सब नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज दोबारा से चुनाव आएगा, दो चुनाव आएंगे, एक विधानसभा का एक लोकसभा का। विधानसभा के चुनाव में तो पूरे प्रदेश में जो माहौल है उसका अंदाजा आपको भी है मुझे भी है, मगर उससे पहले सेमीफाइनल ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ये मेरा घर है। जब भी कोई आदमी नया काम शुरू करता है तो अपने घर से शुरू करता है, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी रगों में भी डीगर का खून है, मेरे को गर्व है कि मेरी नानी डीगर से थी और बचपन में संस्कार, तो जब छोटा सा बच्चा होता है तो संस्कार नानी के लिए संस्कार ज्यादा होते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये फिर निशाने पे लेंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे जैसे पिछली बार तीन तीन बार होते लोकसभा चुनाव में आए, सारी बीजेपी आएगी, सारी जेजेपी आएगी, दिल्ली और चंडीगढ़ की सारी सरकारें लगाएंगे, मगर वो लड़ाई मैं लड़ूंगा लेकिन मैं अकेला नहीं लड़ सकता, वो लड़ाई लड़ने में आपका सबका छत्तीस बिरादरी का साथ और आशीर्वाद उस लड़ाई में। ना तो इनसे इस लड़ाई में ना तो मैं एक कदम पीछे हट सकता और ना ही मैं हाथ जोड़ सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस लड़ाई में, मगर आपका साथ और आपका आशीर्वाद उसमें आप कोई कसर मत छोड़ना। बाकी मैं कोई काम और कोई लंबी बात, मेरा काम भी आप जानते हो, मेरा स्वभाव भी आप जानते हो, मेरा व्यवहार भी जानते हो, जितना मैं अपने को नहीं जानता उससे ज़्यादा आप मुझे जानते हो। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपका आशीर्वाद इस बार मिलेगा, तो आपके जो है आपको कभी नीचे देखने का अवसर नहीं मैं दूंगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आपके नाम को ऊपर लेके जाऊंगा और आपके सीने को आप गर्व से कह सकोगे, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। उस समय कोई तो भाई अपने घर से काम शुरू करते हैं तो घर से काम शुरू बताओ भाई।
तो लोकसभा में लोकसभा का आज से भी घर से अब भाई जो जहाँ तक एक बात आई गांव की, गांव की पंचायत मिली और गांव की पंचायत में एक बात रखी कि गांव में टॉयलेट होना चाहिए डिजिटल गांव में, और बहुत अच्छी बात है। और यही इस मान से का साथ तो है, ये तो कहने की बात नहीं है। अभी अगले साल का सेशन मार्च से लगेगा, अभी 2-3-4 महीने बचे हैं जो इस सरकार के हैं, 24 का सेशन, मतलब 24 के सेशन में 4 महीने। हम विपक्ष के रूप में इस सरकार को कहना चाहते हैं, मांग रखना चाहते हैं कि आप कराए यहाँ पे स्टेडियम कह रहे हो, यहाँ पे कॉलेज की तुरंत मंजूरी करके क्लास अगले सेशन से आप शुरू कराओ, क्योंकि आप कराओगे तो आपका धन्यवाद, नहीं तो 2025 का सेशन डीगल के अंदर यहाँ पर प्रदेश का सबसे बेहतरीन कॉलेज यहाँ पे 25 के सेशन में हम बनवाने का काम करेंगे। कहना चाहते पहला देश सरकार बनते ही पहला काम करेंगे। और भाई केवल कॉलेज ही नहीं, प्रदेश स्तर का यहाँ पर प्रदेश में बात आई है, क्योंकि ये प्रदेश स्तरीय कॉलेज भी और कॉलेज के साथ कोचिंग सेंटर इस तरीके का कि हमारा पूरा इलाका, क्योंकि बिगल रोहतक और जज्जर के सेंटर में पड़ता है पूरा इलाका, तो यहाँ पर प्रदेश स्तरीय कोचिंग सेंटर अलग अलग तरह के कोर्सेज के लिए ITI पूरा एक शिक्षा का एक बड़ा यहाँ पे केंद्र स्थापित करने के लिए आज आपने जो ये बात हमारे को, तो जो है बाकी आप जो है वो बात मेरे को छोड़ना, मैं भी आपका जोता हूँ। यहाँ सारे डीगल के पोते बैठे हैं तो जोता भी आ रहा सारे बीच में। यहाँ पर प्रदेश स्तर की चीज जब पूरे प्रदेश में जब आपने जिम्मेदारी लगाई तो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रदेश में खर्चा होकर यहाँ पर स्टेडियम तैयार उस समय करवाने की आपने जिम्मेदारी लगाई थी, तो ये भी जो शिक्षा का केंद्र बनेगा ये प्रदेश में सबसे बेहतरीन बनेगा, ये जो आज हम कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आज गांव में आए हैं, जैसे कहा हुआ फैसला कर लेना गाँव MP कोटा जो है MP कोटा कहाँ लगेगा उसका फैसला आप करना, गांव करे जहाँ गांव को ठीक लगे। मगर मैं हमें राज्यसभा का कोटा अभी भी है, ये सही है कि आज प्रदेश में 15 सांसद हैं, 14 BJP के, लेकिन विपक्ष के एक सांसद की राज्यसभा की कलम